नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेश पाल। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने एन पी टेक एंड ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि यूपी बोर्ड रिजल्ट हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट के कब आ रहे हैं एंड उन्हें कैसे देखें। दोस्तों, तो अगर आप हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के छात्र हैं तो दोस्तों आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूपी बोर्ड रिजल्ट हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट के दोस्तों 15 से 20 अप्रैल के बीच घोषित होने की संभावना है। दोस्तों स्क्रीनशॉट आप इधर देख सकते हैं ये, ठीक है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डेट की ओर कि कैसे देखें। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने प्ले स्टोर ओपन करना है दोस्तों। ओपन करने के बाद दोस्तों इसमें ईपी बोर्ड रिजल्ट को सर्च करना है दोस्तों। ये देखिए आ गई इस पर मत क्लिक। तो दोस्तों इसको इंस्टॉल कर लेना है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, इसको हम बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद दोस्तों मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, ये अगर आप फर्स्ट जैसे हाई स्कूल का देखना चाहते हैं तो ऊपर वाले पर क्लिक करेंगे, अगर इंटर का देखना चाहते हैं तो नीचे वाले पर दोस्तों। तो अभी देखते हैं, ऊपर वाले पर क्लिक कर लेता हूँ हाई स्कूल वाले पर दोस्तों मैं। दोस्ती देखिए दोस्तों, ये लिखा है चेक रिजल्ट नाउ, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आप दिस लिंक विल बी एक्टिव। तो दोस्तों ये मना कर रहा है क्योंकि अभी रिजल्ट आया ही नहीं है। ये लिखा है रिजल्ट डी क्लियर डेट 15 से 20 अप्रैल 2019। दोस्तों अभी 15 से 20 अप्रैल के बीच ही आएगा, तो अभी ओपन नहीं हो रहा है दोस्तों, तो आप यहीं से चेक कर सकते हैं दोस्तों। चलिए हम इसे बैक करते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक की ओर कि मैं आपको एक और भी ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बताऊँगा दोस्तों। दोस्तों जो नेक्स्ट ट्रिक है वो उसके लिए आपके दोस्तों आपके फ़ोन में जो भी ब्राउजर है उसको ओपन करना है दोस्तों। मैं अपने क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों इसमें upmsp.edu.in इसको सर्च करना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, सर्च करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इसे नीचे स्क्रॉल कर देना है। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों देखिए समस्त परीक्षाफल, इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए ईपी बोर्ड हाई स्कूल मई 2018 लिंक खोलें, इस पर क्लिक करना है। अगर आप 18 का देखना चाहते हैं, इसी तरीके 17 का 17 का देख सकते हैं दोस्तों। मेरे पास एक रोल नंबर है मेरा जो उसकी दोस्तों 16 का इंटर का, तो मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। ईपी बोर्ड इंटरमीडिएट, इस पर क्लिक करना है दोस्तों। लिंक खोलें, ओपन करने के बाद दोस्तों देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको परीक्षा वर्ष सेलेक्ट कर लेनी है, तो मैं 16 कर लेता हूं दोस्तों। अब देखिए नीचे लिखा है रोल नंबर, इसमें दोस्तों रोल नंबर मैं डाल देता हूं 799658, ठीक है दोस्तों, डाल दिया मैंने। देखिए दोस्तों ये रिजल्ट निकल के आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों आप अगर इससे सेव करना चाहते हैं अपनी गैलरी में, देखिए दोस्तों ये नीचे लिखा है प्रिंट रिजल्ट, यहाँ पर क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देखिए पीले कलर में लिखा है पीडीएफ, इस पर क्लिक कर देना है और दोस्तों यहाँ पर डन कर देना है। ऊपर आपकी गैलरी में सेव हो चुका है दोस्तों ये। तो आप आज का वीडियो आपके लिए कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय दोस्तों।